अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हरीरा। ये ड्राई कोकोनट बादाम ड्रिंक है, बहुत ही एनर्जिक ड्रिंक है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे मैं रमज़ान में बनाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे सूखा नारियल यानी ड्राई कोकोनट, और खशखश यानि पॉपी सीड्स, और बादाम यानि आलमंड। मैंने खशखश 1 टेबलस्पून यूज़ किया है और बादाम यानि आलमंड 12 से 15 यूज़ किया है, और सूखा नारियल यानी ड्राई कोकोनट इसे मैंने आधा कप यूज़ किया है। अब इन तीनों को मैंने वाटर ऐड करके यानी नॉर्मल वाटर इसे मैंने ऐड किया है। इन तीनों को पानी में करीब 3 से 4 घंटे के लिए मैंने रख लिया है। और अभी चलते हैं, अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब उसके लिए मैंने यूज़ किया है आधा कप शुगर यानी हाफ कप शक्कर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून घी, ये होममेड घी है, और थोड़े से खड़े मसाले यानी दालचीनी, लौंग और इलायची, सिनेमन स्टिक, क्लॉस और कार्डमम, और थोड़ा सा जाफरान, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये थोड़ा सा लूँगी, और यहाँ पे लूँगी 2 ग्लास ऑफ मिल्क यानी 2 ग्लास मैंने यहाँ पे दूध का लिया है। और अभी चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे बादाम ले लिया है, इसे इसका इसका छिलका आप निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसका निकाल लूँगी, और इसका हमें पेस्ट बनाना होगा, फाइन पेस्ट। देखिए कुछ इस तरह से ऐसा मैं सारे आलमंड्स की इस तरह से निकाल लूँगी छिलका। देखिए मैंने इसे निकाल लिया और इसे साइड में रख के चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे खशखश यानी पॉपी सीड्स और आलमंड इन दोनों को मिला के एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे अब, और एकदम बारीक से हमें पेस्ट तैयार करना होगा। अभी मैंने तैयार कर लिया है, देखिए मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस। अभी मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट यूज़ किया है जिसे मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। इसे हमें एकदम बारीकी से कट करना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे मैं सारे कट कर लूँगी, सारा कोकोनट। अभी ये रेडी है, अभी इसे हमें फाइन पेस्ट करना होगा। चलिए अब चलते हैं पेस्ट करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी इसे हमें स्ट्रेन करना होगा यानी छानना होगा। आप इस वाली छन्नी से या फिर इस तरह से कोई छन्नी से आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। अभी मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें अब हमें ये स्ट्रेन करेंगे हमारा पेस्ट, कोकोनट पेस्ट। इसका अब हम मिल्क निकाल लेंगे यानी स्ट्रेन कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी, अभी ये एक दफ़ा का रेडी है। और इसे मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा इसे थोड़ा सा वाटर ऐड करके और इसका एक बार पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसे भी मैंने स्ट्रेन कर लिया और अब ये रेडी है। देखिए मैंने 2 दफ़ा इसे ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लिया है। अभी चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच घी का यूज़ किया है, ये होममेड घी है इसलिए इसका कलर येलोइश है। इसे गर्म होने दें, अभी ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले यानी सिनेमन स्टिक और कार्डमम, इसे मैं
कट करके ऐड करूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और ऐड करूँगी यहाँ पे क्लॉव्स, यहाँ पर मैंने दालचीनी, कार्डम यानी इलायची और लौंग ऐड किया। अभी ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा कोकोनट मिल्क जिसे हमने अभी स्ट्रेन किया था। इसे अब एक उबाल आने दें। देखिए अभी उबाल आ चुका है, इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। अभी नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा पॉपी सीड्स और आलमंड का पेस्ट जिसे हमने तैयार किया था, इसे ऐड करके मिला लें। इसे 2 मिनट तक पका लें। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी 2 ग्लास ऑफ मिल्क, यानी मैं 2 ग्लास दूध के ऐड करूँगी। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी मिक्स कर लें। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर यानी शक्कर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लें। अभी ये पहला उबाल आ चुका है, इसी तरह से 2 से 3 उबाल आने दें और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। अभी ये तीसरा उबाल आ चुका है, इसे मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अभी चलते हैं प्रेजेंटेशन करने। इसे मैंने सर्विंग ग्लास में निकाल लिया। देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा हरीरा अब रेडी है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान, दिखने में भी बहुत ही अच्छा है और उसका स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका आपको पसंद आएगी। हमारा हरीरा रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।